हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार माथु और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास ट्वेल्थ जियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे थे जिसका नाम है खनिज निक्षेप यानी मिनरल डिपॉजिट। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पिछला वीडियो में कर लिया था जिसमें था क्वेश्चन कि खनिज निक्षेप का निर्माण की विधियों का वर्णन करें, यानी खनिज निक्षेप क्या होता है उसका निर्माण के विधियों का वर्णन करने आपको बोला था। तो इसका आंसर वाला वीडियो मैंने बना दिया था, आप उस प्रीवियस वाला वीडियो का जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? इस टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो है कि मैग्मीय सांद्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें कि मैग्मीय सांद्रण प्रक्रिया क्या है या मैग्मीय सांद्रण निक्षेप क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है तथा इसके और भी डिटेल को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि मैग्मीय सांद्रण क्या होता है। तो मैग्मीय सांद्रण निक्षेप, ठीक है, तो मैग्मीय सांद्रण निक्षेप ये एक निक्षेप है। निक्षेप मतलब खनिजों का ढेर, ठीक है। तो आग्नेय सेलों में प्राप्त होने वाले आर्थिक महत्वपूर्ण खनिज, ठीक है, यानी आग्नेय सेलों में पाए जाने वाले आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खनिज जो मैग्मा में अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन किसी क्षेत्र में यदि अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है या आवश्यक सांद्रता में पाया जा रहा है, तो उस तरह का निक्षेप को हम लोग मैग्मीय सांद्रण निक्षेप कहते हैं और मैग्मीय सांद्रण निक्षेप का निर्माण करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम लोग देख रहे हैं कि मैग्मीय सांद्रण निक्षेपों में पाए जाने वाले खनिज, तो मैग्मीय सांद्रण निक्षेप का निर्माण हो रहा है वो ढेर का निर्माण, तो उस ढेर को बनाने वाले खनिज कौन कौन है? लोहा, निकल, क्रोमियम, टाइटेनियम, तांबा आदि के ऑक्साइड या सल्फाइड, प्लेटिनम, सोना तथा चांदी, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मैग्मीय सांद्रण निक्षेप का निर्माण करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि क्रोमाइट तथा प्लेटिनम, आप लोग जानते हैं कि ये काफ़ी महंगे खनिज है और इनका निर्माण मैग्मीय सांद्रण निक्षेपों से ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैग्मीय सांद्रण निक्षेप के बारे में पढ़ा। अब उसका टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। मैग्मीय सांद्रण निक्षेप को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग? पूर्व मैग्मीय सांद्रण, दूसरा विलंबित या लेट मैग्मीय सांद्रण। तो देख रहे कि पूर्व मैग्मीय सांद्रण क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे विलंबित मैग्मीय सांद्रण क्या होता है। तो पूर्व यानी जो पहले, ठीक है, तो पहले यानी क्या पहले होने का बात कर रहा है, तो वह प्रक्रम जिसमें आर्थिक महत्व के खनिजों का क्रिस्टलीकरण सेल निर्माणकारी खनिजों की क्रिस्टलीकरण से पहले होता है, पूर्व मैग्मीय सांद्रण कहलाता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। क्या समझे? कि इसमें है कि जब आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खनिजों का निर्माण सेल निर्माणकारी खनिजों का निर्माण से पहले होता है, तो इस तरह का प्रोसेस, इस तरह का प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व मैग्मीय सांद्रण, ठीक है, ठीक है। तो आखिर इस तरह की प्रक्रिया से खनिज बनते तो जो पहले बनते तो पहले बनते तो किस कारण से पहले बनते? क्योंकि ये मैग्मा के ठोस बनने के कारण बनते हैं, ठीक है। जब मैग्मा ठोस बन जाता है तो पूर्व मैग्मीय सांद्रण द्वारा खनिज निक्षेपों का निर्माण होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं पूर्व मैग्मीय सांद्रण को तीन भागों में बांटा गया है, प्रकीर्णन, पृथक्करण और अंतक्षेपण, ठीक है। प्रकीर्णन से आप थोड़ा मोड़ा परिचित होंगे, पृथक्करण को भी आप थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, अंतक्षेपण नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो प्रकीर्णन जैसा कि आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश इस तरह से सूर्य से प्रकाश इस तरह से फैल जाता है यानी बिखरना यानी प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश के रंगों का विक्षेपण यानी फैलना, ठीक है। तो इस तरह से प्रकीर्णन में क्या होता है कि खनिज निक्षेपण निर्माण होता है लेकिन इधर उधर बिखरा होता है, ठीक है। तो बिखरा होता है तो इस तरह से किस प्रकार के खनिज का निर्माण होता है? हीरा का निर्माण होता है जो बिखरा पाया जाता है, कोरंडम का निर्माण होता है, क्रोमाइट का निर्माण होता है, ये सब क्या खनिज का प्रकार है, ठीक है। हीरा खनिज होता है, कोरंडम खनिज होता है जो काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है, ठीक है, क्रोमाइट भी काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है। तो इन सारे खनिजों का निर्माण कैसे होता है? प्रकीर्णन विधि द्वारा। और प्रकीर्णन विधि किसके अंतर्गत आता है? प्रकीर्णन विधि पूर्व मैग्मीय सांद्रण प्रकीर्णन के अंतर्गत आता है, ठीक है, पूर्व मैग्मीय सांद्रण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि प्रकीर्णन विधि द्वारा बने खनिज, प्रकीर्णन विधि द्वारा पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब क्या होता है? पृथक्करण का मतलब होता है बांट जाता है, पृथक हो जाता है यानी अलग अलग हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ का उल्टा यहाँ पर होता है।
यहाँ पर बढ़ता नहीं है बल्कि एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। यानी जब खनिज जब जब वहाँ पर जो खनिज इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन बिखरा हुआ खनिज जब एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है, तो इस तरह से जब खनिज निक्षेप का निर्माण होता है तो उसको हम लोग पृथक्करण निक्षेप कहते, पृथक्करण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इस तरह का प्रक्रिया से किन सारे खनिजों का निर्माण होता है, इस तरह का प्रक्रिया से विधि से क्रोमाइट खनिज का निर्माण होता है। उड़ीसा तथा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला क्रोमाइट निक्षेप का निर्माण होता है किस प्रक्रिया द्वारा? निक्षेप का निर्माण होता है उड़ीसा तथा दक्षिण अफ्रीका के पृथक्करण विधि द्वारा, ठीक है। आपको OMR में पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद देख रहे हैं कि तीसरा विधि क्या है, अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण विधि द्वारा, इसको भी याद रखिए, आपको OMR में पूछ सकता है कि स्वीडन के किरुणा नामक एक जगह का नाम है किरुणा, ठीक है। तो स्वीडन एक देश का नाम है, स्वीडन नामक देश के किरुणा नामक जगह में पाया जाने वाला हेमेटाइट खनिज, ठीक है, हेमेटाइट खनिज का निक्षेप जो आपका अंतःक्षेपण विधि द्वारा बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं विलंबित या लेट मैग्मीय सांद्रण, ये वो पहला था पूर्व मैग्मीय सांद्रण, और दूसरा क्या था, विलंबित या लेट मैग्मीय सांद्रण। तो विलंबित या लेट मैग्मीय सांद्रण क्या है, जैसा नाम से ही पता चल रहा, लेट यानी कुछ देर हो गया, तो क्या देर हो गया उसको भी जानेंगे। तो वह प्रक्रिया जिसमें आर्थिक महत्व के खनिजों का निर्माण सिलिकेट खनिजों का निर्माण के बाद होता है, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है उसको मैग्मीय सांद्रण या विलंबित मैग्मीय सांद्रण कहते हैं, ठीक है। यानी क्या कह रहा है इसमें थोड़ा समझते हैं। तो बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खनिजों का निर्माण सेल निर्माणकारी खनिजों के निर्माण के बाद होता है, ठीक है, बाद होता है, तो उसको हम लोग विलंबित या लेट मैग्मीय सांद्रण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में खनिज का निर्माण किस प्रकार होता है, इस प्रक्रिया में खनिज जो है ना वो मैग्मा के क्रिस्टलन के अंतिम चरण में अवशिष्ट द्रवों से बनते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि इस लेट होने का क्या कारण है, क्योंकि इसमें जो मैग्मा का क्रिस्टलकरण यानी मैग्मा ठोस बन रहा और लास्ट चरण में जब मैग्मा का निर्माण मैग्मा ठोस बन रहा है, जब वो अवशिष्ट द्रव से मिलकर बन रहा है, ठीक है, तो अवशिष्ट द्रवों से बनते हैं इस प्रकार के खनिज, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो विलंबित मैग्मीय सांद्रण प्रक्रिया है, जो विलंबित मैग्मीय सांद्रण निक्षेप का निर्माण होता है, तो ये चार भागों में इसको भी बांटा गया, उसको तीन भागों में बांटा गया था। पृथक्करण था एक, अंतःक्षेपण था, और दूसरा क्या था, चलिए देखते हैं, पृथक्करण था, प्रकीर्णन था और अंतःक्षेपण था, ठीक है, तीन प्रक्रिया, और इसको चार भागों में बांटा गया, ठीक है। कौन सा चार भाग है, इसको चार भागों में बांटा गया, अवशिष्ट द्रव पृथक्करण, अवशिष्ट द्रव अंतःक्षेपण, अमिश्रणीय द्रव पृथक्करण और अमिश्रणीय द्रव अंतःक्षेपण, ठीक है। इन चार भागों में विलंबित मैग्मीय सांद्रण प्रक्रिया को बांटा गया है, और उसको तीन भागों में बांटा गया था, इसको चार भागों में बांटा गया, ठीक है। तो यही था छोटा सा क्वेश्चन, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझने के लायक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कम से कम आप एक दो बार जरूर पढ़ लीजिए, इससे OMR में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।